आज हम कर रहे हैं एनक्लोथ में आगे, आज एक टर्बाइन बनाएंगे एनक्लोथ के थ्रू। ये सारे पॉलीगन सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड करना पर की फेस टुगेदर ऑफ करके, ताकि हम सबको अलग अलग स्केल कर सके। फिर दोबारा से एक्सट्रूड करना ताकि अंदर की तरफ होलो बन जाए। हिस्ट्री क्लीन कर दो, इसको बना दो एनक्लोथ। एनक्लोथ अब देखो कि ये तो नीचे गिर गया, हमें क्या करना है, अपनी जगह रुके। इसके लिए इसके बीच वाले वर्टाइसिस पे, बीच वाले ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट डाल दो, अपनी जगह रुका रहेगा। समझ आया? अभी वो भी राज होगा। अब मैं चाहता हूं ऊपर से पार्टिकल गिरे और इसको चला दे सर्कल की तरह। तो पार्टिकल्स के लिए जाना एन पार्टिकल और क्रिएट ऑप्शन को कर दो बॉल्स, मुझे बॉल्स गिरानी ऊपर से। बॉल्स तो कर दिए पर पार्टिकल निकले नहीं, क्रिएट इमीटर करोगे तो निकलेंगे। इमीटर को थोड़ा ऊपर कर दो, चल पड़ा टर्बाइन, पर उसके अंदर अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। और देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, फ्रेम्स बढ़ा दो तो कितनी बुरी तरह चल रहा है। मैं चाहता हूं लकड़ी की तरह चले या लोहे की तरह चले। तो एनक्लोथ के अंदर आता है डायनेमिक प्रॉपर्टीज, इसमें रिजिडिटी लिखा हुआ है यहां पे। मुझे बनाना है अपने ऑब्जेक्ट को रिजिड, तो इसके अंदर वैल्यू बढ़ा दो ताकि ये रिजिड बन जाए। अब ये नहीं इधर उधर जाएगा, चल पड़ा टर्बाइन की तरह। तो काफी सारी ढेर सारी आ रही है ना, दो तीन गिरे ऐसे ऐसे। तो अगर दो तीन गिरानी है ज्यादा ही, पानी ये पानी का झरना गिरता है ना, ये तो मैंने वो गिराया, इस पे झरना गिरेगा ना पानी का, प्रेशर से पानी गिरेगा तभी तो चलेगा, एक दो बोल से नहीं चलेगा ना, लगातार निकलने चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये वाला पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसके लिए क्या करो, एक बॉक्स लगाओ। टर्बाइन में क्या होता है, ये पानी इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से पानी घूम के दोबारा यहाँ आता है। तो यहाँ पे एक मुझे कोलाइडर लगाना है। इसे बना दो पैसिव। अब देखो पार्टिकल नीचे नहीं जाएंगे, इसी में इकट्ठे होंगे। अगर ओवर हो जाएगा फिर तो बाहर गिरेंगे। ओवर होगा तो बाहर गिरेंगे। देख लो कितने सारे इकट्ठे हो गए पार्टिकल्स, पूरा ढेर बन जाएगा। तो इसीलिए ना इसका स्लोप बनाया जाता है हमेशा, ताकि एक जगह इकट्ठे ना हो, उस तरफ इकट्ठे नहीं होंगे। देख रहे हो अब इकट्ठे नहीं होंगे वहां पर। फिर यहां से एक जगह बनानी होगी जहां से घूम के पानी दोबारा से यहां पे आएगा।
ये तो मैंने एक रफली आपको समझा दिया कि टर्बाइन कैसे घूमेगा एनक्लोथ के थ्रू। अगर ये एनक्लोथ नहीं होता तो ये नहीं घूमता। कोई डाउट? तो उसके लिए तो वो लगती है ना, मोटर वोटर लगेगी रियल वर्ल्ड में, उसमें तो नहीं हो पाएगा। अब हम करते हैं, कोई शीशा तोड़ना हमें एनक्लोथ से, इसमें टेढ़े मेढ़े सेगमेंट डाल दो स्प्लिट टूल से, शिफ्ट के साथ सेगमेंट डालते हैं, इन्हें सेलेक्ट करके यहां से कर दो डिटैच। अब सब ना अलग अलग हो गए डिटैच करने से। अब आप इस पे डाल दो एक्सट्रूड मॉडिफायर ताकि थिकनेस आ जाए, और हिस्ट्री क्लीन कर दो, इसे बना दो एन क्लॉथ। अरे तो गिर गया, तो नीचे एक प्लेन लगा देना। प्लेन लगाने से पहले एक बॉल गिरा देते हैं, बॉल ऊपर से नीचे गिरे, इसको बना दो पैसिव और एनिमेट करा दो। पैसिव देख रहे हो, पर अब हमें फ्लोर को रोकना है, टूट तो रहा है पर फ्लोर नहीं गिर रुक रहा। तो फ्लोर को रोकने के लिए काम कर सकते हो, इसकी ग्रेविटी न्यूक्लियस में जाओ, इसके इसकी ग्रेविटी को आप जीरो कर दो, तो देखो अपनी जगह से नहीं गिरेगा। बॉल तो जाएगी ना गोली की तरह, नहीं जैसे गिरती तो बॉल टप्पे खा के आगे पीछे गिर जाए तो जमीन घूम जाए। कांच पे जब बॉल गिरेगी टप्पा तो खाएगी, सीधा तोड़ के जाएगी ना नीचे नीचे। अगर आप चाहते हो, नहीं कहने का मतलब जैसे नीचे मतलब ये जुड़ा रहे, नहीं वो ये तो टूट जाएगा नहीं वो बिखरेगा नहीं। तो आप एक नीचे प्लेन लगा दो ना थोड़ा, उसे बना दो पैसिव। अब वो एनिमेशन उसका फिर वहां तक रखना पड़ेगा ना, उस फ्लोर तक। एनिमेशन वो आपकी मर्जी ना, जैसे मर्जी बनाओगे टप्पा खा के ऊपर आ जाए। हाँ लो, टूट गया आपका फ्लोर, समझ आया?
तो आज ये दोनों असाइनमेंट करो, नेक्स्ट सेशन में हम आगे करते हैं।